बड़े बड़े लोग हुए, लेकिन माता पार्वती की तपस्या का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। तो जब नहीं तोड़ पाया ना, तो प्रभु प्रकट हो गए और भगवान ने आकर कहा, देवी ऐसा है, आपकी तपस्या सिद्ध हो गई है, आपकी तपस्या पूर्ण हो गई है, अब आप घर जाइए, घर जाइए, हम आप जिस मनोकामना से आप तपस्या कर रही हैं वो सब हम कर देंगे पूर्ण, अब आप घर जाइए। तो माता पार्वती ने कहा, ये कैसे पता पड़ेगा प्रभु मेरी तपस्या सिद्ध हो गई है, कैसे मालूम पड़ेगा? भगवान ने कहा, ऐसा है देवी कि जब आपके पिताजी आपको बुलाने आए ना, तो आप चले जाइएगा। भगवान से माता पार्वती बोली, मेरे पिताजी तो मुझे इतना प्रेम करते हैं प्रभु कि वो वैसे ही दिन में 3 बार रोज जाते हैं देखने, बुलाने, ख्याल रखने, समझाने, कब का मानू, किस बार का मानू? उन्होंने कहा, अगर ऐसी बात है देवी तो इस बार जब सप्त ऋषि आपको बुलाने आए साथ में, सप्त ऋषि से भेंट हो, तो तब समझ जाइएगा कि तपस्या पूर्ण हो गई है, और उसके बाद पिताजी जैसे ही आए आप घर चली जाइएगा देवी। माता पार्वती ने कहा, ठीक है। अब उधर से निकले, महादेव के पास पहुंचे प्रभु, वहां से गए सीधे भोलेनाथ के पास, और भोलेनाथ के पास जाके कहते हैं, ऐसे है प्रभु, आइए आपको एक देवी के दर्शन कराऊं चल के। महादेव को ले गए, महादेव से कहा, एक बात बताइए महादेव, आपको बड़ा अभिमान रहता है क्या इस बात का कि आप बड़े हमारे भक्त हैं, बड़ी आप हमारी तपस्या करते हैं, बड़े तपस्या में आप लीन रहते हैं, शंकर सहज स्वरूप संहारा और लागी समाधि अखंड पारा, तो आपको बड़ा अपनी तपस्या पर यदि कुछ गुमान रहता हो तो आइए जरा चल के एक देवी के दर्शन आपको करा दूं। तपस्या के मामले में आपसे कहीं से भी 19 नहीं है, वो कमजोर नहीं है, आइए आइए चल के जरा उनके दर्शन करा दिया जाए, चलिए चलिए। तो महादेव ने देखा, अरे प्रभु इतनी कठिन तपस्या कर रही हैं, ये कौन है देवी, इनको इतनी तपस्या करने की आवश्यकता क्या पड़ी, क्या चाहती हैं ये, इनको तो अभी तक मिल जाना चाहिए था, जो इनकी मनोकामना हो उनको पूर्ण हो जाना था, प्रभु क्या चाहती है बताइए। प्रभु नारायण कहते हैं, प्रभु ये आपको चाहती हैं, आपके लिए तपस्या कर रहे हैं, आप इनसे विवाह कर लीजिए, और देखिए जोड़ी ठीक है, कहते हैं हमारे नारायण, नारायण कहते हैं जोड़ी में 19-20 नहीं, दोनों बराबर के हैं, आप भी तपस्वी हैं और ये माता भी देखिए कितनी तपस्वी है देवी, कर लीजिए दोनों विवाह कर लीजिए। तो महादेव कहते हैं, अच्छा प्रभु क्या कह रहे हैं आप, हमारे राम जी कहते हैं, हाँ महादेव अब विनती मम सुनहु शिव, जौ मोह पर निज ने हो, तो जाओ विवाह शैल जही यह मोहि मांगे देव। प्रभु माताओं बंधुओं ये एक दोहा है, और इस एक दोहे में 3-3 संबंध स्थापित हो रहे हैं भगवान श्री राम और हमारे महाकाल भगवान के, कौन कौन से, सेवक स्वामी सखा सियपी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। हमारे प्रभु श्री राम महादेव के सेवक भी हैं, महादेव के स्वामी भी हैं, और महादेव के सखा भी हैं। कैसे, देखिए सेवक स्वामी से विनती करता है ना, अरे आपसे एक विनती थी हुजूर, एक बात कहनी थी आपसे, क्या कहता है, भगवान भी कह रहे हैं कि अब विनती मम सुनहु शिव, और सखा क्या कहता है मित्र, सखा कहता है, अरे मेरे मित्र मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं, मुझे अपना मानते हो कि नहीं, तो यही कह रहे हैं राम जी कि जौ मोह पर निज ने हो, और स्वामी क्या करता है, स्वामी आदेश देता है, यही कह रहे हैं कि जाई विवाह शैल जही यह मोहि मांगे देव, हमको ये दे दीजिए। महादेव ने कहा, ऐसा है प्रभु बड़ी धू धू हो जाएगी, इतनी बेइज्जती हो जाएगी कि मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा कहीं, आप कैसी बात कह रहे हैं, कहा क्यों हो जाएगी। महादेव ने कहा, एक बात बताइए, लोग कहेंगे कि वाह पत्नी हो तो सती माता जैसी, कि महादेव ने त्याग भी दिया
लेकिन उन्हीं पतिदेव का अपमान अपने पिताजी के यज्ञ में न सह पाई और पतिदेव का अपमान न सह पाने के कारण यज्ञ हवन कुंड में प्राण त्याग दिए कूद के। ऐसी पत्नी, पति को प्रेम करने वाली पत्नी हो तो सती माता जैसी। और बाद में कहेंगे कि इस दुनिया में कोई भी पति लेकिन ऐसा ना दे महादेव जैसा, कैसे नालायक पति है देखो तो। अरे भाई, पत्नी ने पति के प्रेम में देह त्याग दिया और पति को देखो ऐसा एहसान परामोश कि पत्नी गई नहीं कि तुरंत सहरा पहन के दूसरा विवाह करने के लिए तैयार हो गई। कितनी बेइज्जती हो जाएगी आप बताइए। अरे नहीं, ये ठीक नहीं है, मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी प्रभु। कह शिव यद्यपि उचित वस नाही, तो भगवान ने कहा तो क्या नहीं करेंगे क्या? कहा नहीं करूंगा। तो भगवान श्री राम ने कहा फिर आपकी और ज्यादा तू हो जाएगी, फिर हमें मत कहिएगा। क्या क्यों? कहा लोग ये कहेंगे कि ये वही महादेव हैं जो 87,000 वर्ष दिखाने के लिए तो राम जी की तपस्या करते हैं, जब उठते हैं तब भी राम राम जपते हैं, राम जी के सबसे बड़े भक्त कहलाते हैं, लेकिन सब झूठ है, सब पाखंड है। कहा क्यों ऐसा क्यों कहेंगे? कहा इसलिए कहेंगे कि जिनके आप इतने बड़े भक्त बने फिरते हो, आज उन्हीं राम जी ने एक बात कह दी तो आप इधर उधर दाएं बाएं बात कर रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। आप बताइए, गुरु जी के प्रति श्रद्धा है आपको और गुरु जी कोई बात आपसे कह दे तो आप लोग टाल मटोल करने लग जाएंगे, तो काहे बात के शिष्य रहे फिर आप? अरे भाई, शिष्य की तो वही परीक्षा है, वही पहचान है, गुरु का आदेश, गुरु आज्ञा करिए सी। उसी प्रकार प्रभु ने आज्ञा दी और मान नहीं रहे और कहने को प्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं। महादेव ने कहा ये बात भी ठीक कह रहे हैं प्रभु आप, तो नाथ वचन पुनि मेटी न जाए, आपका वचन भी नहीं मेट सकता, क्या करूं? तो महादेव ने कहा ऐसा है प्रभु, अपने संकल्प का पालन करना तो धर्म है, किंतु स्वामी की आज्ञा में यदि अपने संकल्प को तोड़ भी दिया जाए तो फिर धर्म में नहीं आता, वो क्या होता है? वो परम धर्म कहलाता है। सिर धरियायसु करिए तुम्हारा, क्योंकि परम धर्म यह नाथ हमारा, ये हमारा परम धर्म है, हम आपकी आज्ञा अवश्य मानेंगे प्रभु। माताओं बंधुओं, कह तो दिया महादेव ने लेकिन अभी चाह नहीं रहे थे। ध्यान दीजिएगा, बड़े लोग क्या करते हैं जब मना नहीं कर पाते ना, बड़े लोग तो नहीं कहूंगा मैं, सज्जन लोग कहूंगा, सज्जन लोग या बड़े लोग जिनमें बड़प्पन होता है, वो जब किसी बात को मना नहीं कर पाते तो टाल देते हैं, हाँ 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 करेंगे करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है ठीक है, देखेंगे देखेंगे। यही हुआ माताओं बंधुओं, माता पार्वती के विवाह के लिए टाल दिया प्रभु ने, हाँ 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 देखेंगे देखेंगे, आप कहने ठीक है करेंगे करेंगे, समय आने दीजिए, अभी कुछ निकलने दीजिए डेट, ऐसे कैसे। अब भगवान चले गए, उधर पीछे से महादेव ने बुलाया सप्तऋषियों को और सप्तऋषियों को बुला के कहा ऐसा है सप्तऋषियों, जाओ जाकर के जरा तपस्या की परीक्षा तो लो पार्वती जी की, देखो तो जरा कितने पानी में है और हो सके तो हमारे खिलाफ थोड़ा सा इनको बरगलाओ भी, हमसे विवाह ना करें, ऐसा कुछ काम करो इनके साथ। ऋषियों ने कहा प्रभु एक बात बताइए, क्या उचित है? एक भक्त बैठा है आपके लिए तपस्या करने, आपका भक्त, और आप कह रहे हैं कि जाके परीक्षा लो, भक्त की परीक्षा लेना उचित है क्या प्रभु? महादेव ने कहा बिल्कुल उचित है। तो क्या भक्त को ही इस बात का अधिकार है कि वो भगवान की परीक्षा ले? माता जानकी के रूप में माता सती ने परीक्षा ली थी कि नहीं ली थी भगवान श्री राम की? तो स्वयं परीक्षा ले ले तो वो ठीक है, और जब प्रभु परीक्षा ले ले तो वो गलत है? नहीं नहीं, जाके परीक्षा लीजिए, उसके बाद बात होगी। अब सप्तऋषि पहुंच रहे हैं माताओं बंधुओं, माता पार्वती के पास। माता पार्वती ऐसे बैठी हैं मानो तपस्या स्वयं सगुण साकार रूप लेकर के वहां विराजमान हो गई है तपस्या। ऋषि गौरी देखी तहां कैसी मूर्ति मंत तपस्या जैसी, जैसे तपस्या स्वयं बैठी हो। सप्तऋषि पहुंचे, जाकर कहते हैं देवी, अरे बेटी तुम बड़े अच्छे घर की लग रही हो, बड़े अच्छे घर की लग रही हो, क्या चाहती हो? ऐसी कौन सी तपस्या करने के लिए, किसको किसको पाने के लिए आप यहाँ बैठी है, बताओ जरा बेटी।
काव राधव का तुम चाहो, कौन है बताओ ना, हम सन सत्य मरम किन कहो, बताओ किसके लिए ये तपस्या करने बैठी हो। माता पार्वती ने कहा ऐसा है प्रभु, मुनिवर मेरे गुरु जी के आदेश अनुसार मैं महादेव के लिए तपस्या करने बैठी हूं, और सत्य और झूठ की तो कोई बात ही अब नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु जी जो कहते हैं मेरे लिए केवल वही सत्य है, बाकी उसके अलावा सारा संसार झूठ है। गुरु के मुख से जो वचन निकल जाए वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। नारद कहा सत्य सोई जाना, और बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। अगर हमारे गुरुदेव कह देंगे ना तो पर्वत तो वैसे बहुत भारी होता है, और बिना पंख के तो मच्छर भी नहीं उड़ पाता, लेकिन हम बिना पंखों के उड़ जाएंगे एक बार गुरु जी अगर हमारे कह दे कि ऐसा भी हो सकता है बेटा पार्वती। तो इतना सुनना था कि सब ऋषियों ने एक दूसरे को ताली दी हाथ से, कहा वाह भैया भैया, नारद जी के किस्सों में एक और किस्सा जोड़ लो। माता पार्वती ने कहा क्या कह रहे हैं आप, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। नारद जी ने कहा बेटा तुम जिन महात्मा जी की बात कर रही हो ना, जो नारद जी की बात कर रही हो, अरे वो कोई महात्मा महात्मा नहीं है, वो एक नंबर के पाखंडी है पाखंडी, और उनके कहा तुम बातों में आ गई। पार्वती जी ने कहा देखिए मेरे गुरुदेव के बारे में जवान संभाल के बात कर, देखिए श्रद्धा देखनी हो तो श्रद्धा की परीक्षा तब नहीं होती जब गुरुदेव की बड़ी जय जयकार हो रही हो, तो बहते हुए पानी में तो सब हाथ धो लेते हैं। जब कोई विषम परिस्थिति आ जाए गुरुदेव के ऊपर तब समझ में आता है कि आप कितने बड़े शिष्य हैं, कितने बड़े भक्त हैं आप। उसी प्रकार भगवान जब सब कुछ अच्छा करते हैं तो सभी प्रणाम करते हैं, भगवान की जय हो, भगवान के पास सब हो रहा है, और जैसे ही भगवान कोई परीक्षा ले ले तो इस समय लगता है क्या मालूम भगवान सुनते भी है कि नहीं, है कि नहीं यही नहीं मालूम, अश्रद्धा तुरंत आ जाती है, श्रद्धा यही है। माता पार्वती ने कहा जवान संभाल के बात करिए आप, मेरे गुरु जी के बारे में ऐसा कहने कि मैं सुनूंगी नहीं ऐसी बात। तो सब ऋषियों ने कहा बेटा तुमको लग रहा होगा कि शायद हमारी उनसे कोई बुराई है इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं, तो सुनो बेटा ऐसा है कि उन तुम्हारे गुरुदेव के ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हैं इसीलिए तो वो फरार घूम रहे हैं, कभी घर भी नहीं जाते मालूम है, एक रात घर भी नहीं सोए, वो भटकते रहते हैं न जाने कहां, हथकड़ी डल जाए डर के मारे। वैसे तो दक्ष प्रजापति का श्राप है लेकिन ये बना रहे बात, इसीलिए घड़ी ज्यादा नहीं रुकते, जाने कहां से सायरन बज जाए, भागे रहते हैं मुकदमे इतने दर्ज है क्या। बोले हाँ बेटा देखो कितने लोग उनको खोज रहे हैं, सबसे पहले दक्ष सुत ही उपदेश ही जाई, तिन पुनि भवन न देखा आई। दक्ष के पुत्रों को 10,000 पुत्रों को पहले ऐसा पाठ पढ़ाया, कथा आप लोग सुने होंगे, उसके बाद जब तब भी नहीं माने तो दक्ष ने बोला चलो 1,000 पुत्र उत्पन्न करें। तो नारद जी के लिए तो 1/10 मेहनत हो गई, जब 10,000 को बिगाड़ना उनके लिए, बिगाड़ना माने बनाना, वो तो कथा से समझ में आएगा। और एक बात और समझ लीजिए, इसमें कोई बनाना बिगाड़ने वाली बात नहीं, जैसे भाई आप गृहस्थ लोग हैं, आप लोग सोचते हैं हमारा वंश बढ़े, हमारा बेटा हमारा सरनेम से आगे बढ़े, वैसे बाबा जी लोग सोचते हैं कि हम कहां किसकी चोटी काटे, किसको अपना भक्त बना दे, किसको भगवा पहना दे, कौन हमारा अनुयायी बन जाए। तो माता अब ये तो चल ही रहा है कुंभ, कुंभ में तो न जाने कितने बनेंगे भी महाराज और संत नागा साधु, इसी के पर्व है, इस पर्व में यही तो होता है, संतों का संस्कार होता है, कई भक्त भगवान की जब कृपा होती है तब जाके इस मार्ग पे आकर पांव देते हैं, और ये पर्व है, ये स्थान है जहाँ पे ये सब होता है माताओं बंधु। तो यही नारद जी अपना काम कर रहे थे, दक्ष प्रजापति अपना काम कर रहे थे। तू दिलों की आग जलाए, तू दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा, तुझे अपने काम से काम है, मुझे अपने काम से काम है। तो नारद जी अपना काम कर रहे थे, दक्ष अपना काम कर रहे थे, यही हुआ माताओं बंधुओं। तो पहला श्राप नारद जी को वही मिला, दूसरा चित्र केतु कर घर उन घाला, चित्र केतु के साथ वो भी कथा सुन चुके सब भागवत की है, कनक कश्यप कर पुनियस हाला, हिरण कश्यप का भी घर बर्बाद करने में नारद जी महाराज का ही हाथ था। अरे भाई कयादु को तो इंद्र जी ले जा रहे थे,
नारद जी ने कहा कहां ले जा रहे हो? इंद्र ने कहा देखिए ऐसा है कि पिता भी परेशान कर चुका है और नहीं विष बेली अमीय फल भर है, विष कभी भी अमृत उत्पन्न नहीं होगा, ये भी बाद में इनका बेटा हमें परेशान करेगा, तो चाहे कोई हमको मर्डर का लगाए इल्जाम और चाहे अपहरण का लगाए हम इनको मार देंगे। तो नारद जी ने कहा कैसी आप बात कर रहे हैं, अरे इनके गर्भ से तो भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी का जन्म होना है जो आपकी भी सारे देवताओं को तार देंगे और हिरण्यकश्यप की भी सारी पीढ़ी को तार देंगे, कैसी आप बात कर रहे हैं? तो कहा इंद्र ने ऐसा है कि चोरी करते करते कभी ना पकड़ाओ तो बाद में सामान रखने चला जाऊं और तब कोई पकड़ ले तो वो तो यही समझेगा, तो हम क्या करें? नारद जी ने कहा चिंता न करिए, इन्हें आप हमें छोड़ दीजिए, हमारे पास हम ले जा रहे हैं और हम व्यवस्थित इनको छोड़ देंगे। माताओं बंधुओं वही गर्भ में जो प्रहलाद भगवान ने नारद जी से उपदेश सुना हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया, यही कह रहे हैं सप्तऋषि कि कनक कशिप कर पुनियस हाला नारद सिख जे सुनहि नर नारी अवसि होइ तजि भवन भिकारी मन कपटी तन सजन चीना। ऊपर से बड़े दिव्य दिव्य कपड़े पहनते हैं लेकिन अंदर से बड़े चापाखंडी है कपटी है, मन कपटी तन सजन चीना और आप सरिस सब ही चहकीना तेहि के बचन मानी विश्वासा तुम चाहो पति सहज उदासा। उनके विश्वास में आकर तुम अच्छा सप्तऋषियों ने कहा एक बात बताओ बेटा तुम इतना ही बता दो कि ऐसा कौन सा सुयोग्य वर है जिसके लिए यहाँ तपस्या करने बैठी हैं? कहा महादेव क्या देखो ये अब समझ में आ गई बात, जरूर पैसा लिया होगा, होता है ना, अरे भाई शादी.com जीवनसाथी.com ये सब इसमें कमीशन लगती है आपका नाम, उनको केवल दो लोगों को मिला करके अपनी कमीशन पानी है, उनको मतलब नहीं है किसी बात से। तो कहा जरूर इन्होंने भी कोई मोटा कमीशन लिया होगा आपका वहां सेटिंग जमाने में, वहां जमाने में। कहा क्यों? अरे कहा कहो काह सुख वस पर उपाय भल भूली हूं ठग के पौराए। अरे वो ठगू है, आप कहां चक्कर में आ गई? तो कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये बेटा कि आपके जो गुरु जी हैं उनको तो लगा है केवल छोटे मोटे मुकदमे 420 के, और जो आप जो जिनके लिए विवाह कर रही हैं उनको क्या मुकदमा लगा है जानते हैं? बोले क्या? बोले पंच कहे शिव सती विवाही और पुनिय वो डेरी मराए निताही, दफा 302 लगी है मर्डर। तो कहा मर्डर कर दिया उन्होंने? कहा मर्डर कर दिया। तो कहा जेल गए क्या? अरे कहा समृत कहो नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई, बड़े बड़े लोग मर्डर करके कभी गए हैं जेल? सब सेटिंग हो जाती है ऊपर, पिछते तो बेचारे मध्यम वर्गीय लोग हैं, ध्यान दीजिएगा, बड़े लोग कभी कोई चिंता थोड़ी होती है। तो कहा फिर क्या कर रहे हैं? बोले वो अब सुख सोवत सोच नहीं भीख मांग भव खाही, अरे सहज ये काकिन के भवन कबहु किनारी खटाही। जिसका स्वभाव ही एकाकी रहने वाला हो, जो एक एक अकेला ही रहता हो, क्या कोई स्त्री वहां टिक सकती है? बताओ तुम रह पाओगी वहां पे? समझ लो। तो कहा कि कहना क्या चाहते हैं आप? कहा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम आपके लिए बहुत अच्छी फोटो लेकर के आए हैं, बड़े सुंदर वर है, इनको भी एक बार देख लीजिए, कहां आप उनके चक्कर में पड़ी हैं? तो कहा कौन है ये? बोले अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला गावहि वेद जासु जसु लीला दूषण रहित, वो तो अवगुण धाम है, ये दूषण रहित सकल गुण राशि और श्रीपुर पति बैकुंठ निवासी। हमारे नारायण भगवान की फोटो देख लीजिए, पीताम्बर धारी, इनसे विवाह करिए, ये आपके लायक है, कहां आप महादेव के चक्कर में पड़ी हैं? माताओं बंधुओं, माता पार्वती ने जानते हैं सप्तऋषियों को क्या जवाब दिया, और वो जवाब इतना सुंदर जवाब दिया है, माताओं बंधुओं में कई बार कहता हूं ये बात कि उस जवाब को हम और आप चाहे तो नहीं दे सकते,
अगर आज हम लोग चाहें कि हमसे कोई आकर के कहे तो हम लोग वो जवाब नहीं दे पाएंगे जो माता पार्वती ने दिया। हाँ हाँ, बच्चे जरूर दे सकते हैं, छोटे बच्चे। कैसे? देखिए, बच्चों को माताएं सिखाती हैं कई बार कि देखो बेटा, ऐसा है कि उनके साथ मत खेला करो, उस लड़के के साथ, वो आवारा है, वो पढ़ाई नहीं करता है, उसके मम्मी पापा छोटे घर के हैं, उसकी जात पात अच्छी नहीं है, उसके साथ मत रख, तुम उसके साथ खेला करो बेटा। अरे वो बड़े घर का लड़का है, वो सदैव फर्स्ट आता है, उसके मम्मी पापा भी अच्छे हैं, घर भी अच्छा है, उसके साथ रहा करो। तो क्या माताओं बंधुओं बच्चे इस बात को मानते हैं? क्या बच्चे किसी से मित्रता इसलिए करते हैं कि वो टॉप करता है या बड़े घर का लड़का है? वो तो उनका मन जिसके साथ जहां लग जाता है, जिससे दोस्ती हो जाती है, उससे वो मित्रता कर लेते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग आज के युग में संबंध भी उन्हीं से बनाते हैं जिनसे कुछ लेन देन, कुछ फायदा होने के आसार हो तब, वरना बेमतलब किसी के पास एक मिनट भी नहीं बिताते। और माताओं बंधुओं, यही जवाब उद्धव को भी गोपियों ने दिया था। इस प्रसंग से बड़ा सुंदर मिलता पद है वो। जब भी इस प्रसंग की बात आती है मुझे पद याद आ जाता है, स्मरण आ जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण तो आप सुन ही रहे थे। उद्धव के पास माताओं बंधुओं, जब उद्धव गोपियों के पास गए और उद्धव ने जाकर के समझाया कि गोपियों, आप एक बात बताइए, आपको दुखी रहना है कि प्रसन्न रहना है? तो उन्होंने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं उद्धव? उन्होंने कहा, इसलिए कि यदि आपको सगुण साकार कन्हैया को अपने हृदय में बसाना है, मन में बसाना है, तो दुखी रहने को तैयार हो जाइए, और यदि निर्गुण निराकार परमात्मा को बसाना है तो प्रसन्न हो जाइए। क्या मतलब? कहा, एक बात बताओ, तुम्हारा सगुण साकार कान्हा, वो गैया चराने वाला ग्वालवाल जो पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकर के माखन चोर, माखन चोरी करता घूमता था, वो वस्त्र चुराता घूमता था, अरे वो कान्हा जो कह के गया था कि मैं परसों तक आ जाऊंगा, तुम लोगों को धोखा दे के चला गया, उसको तुमको याद करना है या वो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा कान्हा को याद करना है जो तुम्हें कभी छोड़ के गया ही नहीं था, जो सदैव तुम्हारे हृदय में रहता है, जो घर घर वासी है, जो बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बरजोगी, उस कान्हा को याद करना है या उस कान्हा को याद करना है जो धोखा दे के चला गया, जो छलिया है? गोपियों ने कहा, उद्धव हमको तो उसी छलिया कान्हा को याद करना है, उसी झूठे कान्हा को याद करना है, हमें तो उसी ग्वालवाल कान्हा को याद करना है। कहा, क्यों याद करना है? गोपियां कहती हैं, क्योंकि उद्धव ये मनमाने की बात, घनाक्षरी में सूरदास जी महाराज ने इस पद को लिखा, उद्धव मनमाने की बात, दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात, उधो मनमाने की बात, विष के कीड़े को छुहारे भी क्यों ना दे दो, लेकिन वो तो विष ही खाएगा, ये उसके मन की बात है। उधो जो चकोर को दे कपूर को, तजी अंगार अघात, यदि चकोर को आप कपूर देने का प्रयास करेंगे ना अंगारे के बदले में, नहीं खाएगा वो, नहीं लेगा। और मधुप करत घर कोरे काठ में, भौरा जो होता है ना माताओं बंधुओं, भौरा इतना शक्तिशाली जीव होता है कि उसका डंक, उसके डंक से वो पेड़ के तने में कट 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 करके छेद कर देता है पूरा, और घर बना लेता है। उसका जो निवास होता है वो पेड़ के तने के अंदर रहता है, इतना शक्तिशाली जीव भौरा। मधुप करत घर कोरे काठ में, लेकिन बंधत कमल के पात, धो व
वही शक्तिशाली भौरा संध्या होते ही कमल के कोमल पत्तों में जाके बैठ जाता है रात्रि भर, चाहे तो सारे पत्तों को फाड़ के निकल जाए। कारण मनमाने की बात। अरे जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात। पतंगा जानता है, माताओं बंधुओं, पतंगा जानता है कि मैं दीपक के पास जाऊंगा तो जल जाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा। लेकिन क्या कोई पतंगा जाने से कभी रुका? शमा के पास परवाना जाने से रुका कभी? ज्यो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात। तो सूरदास जाको मन जासो ताको सोई सुहात। ये मनमाने की बात, ये तो उद्धव मन की बात है, मन की। मन जिसका जहां लग जाए ना, वही उसको वही प्रिय रहता है बस, और कोई दूसरा प्रिय नहीं रहता। माता पार्वती ने कहा सप्तऋषियों से, सप्तऋषि, अरे मैं ऐसा कब कह रही हूँ कि महादेव अवगुणों की खान नहीं है? मैंने कब महादेव की तारीफ की? मैंने उस बात से मना नहीं किया। होंगे महादेव, बहुत सारे अवगुणों के भंडार होंगे। महादेव अवगुण भवन। और मैंने ऐसा भी कभी नहीं कहा कि विष्णु जी महाराज, नारायण भगवान में कोई गुण नहीं। हो सकता है सारे संसार के सर्वगुण संपन्न हमारे नारायण हो, और वो है भी निसंदेह। मैं कहा मना कर रही हूँ? महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम। लेकिन जेहि कर मन रम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। ये तो मन की बात है, उद्धव मन की। जिसका जिसके साथ मन लग जाता है ना, फिर उसको उसी से काम पड़ता है, फिर वही उसको अच्छा लगता है। अब माताओं बंधुओं यही हुआ, सप्तऋषियों को जवाब दिया माता पार्वती ने। सप्तऋषि मुंह लटका के महादेव के पास आए। महादेव भी बड़े विचित्र। महादेव कहते हैं क्यों जी, क्यों जी काम बिगड़ा? ज्यादातर लोग भेजते हैं काम, आके पूछते हैं काम बना, काम जब बनवाने के लिए भेजते हैं। पहले ऐसे श्रीमान है ये महादेव। काम बिगड़ा तो सप्तऋषियों ने कहा महादेव बिगाड़ने का तो बड़ा प्रयास किया लेकिन वो बनता ही नजर आ रहा है, बिगड़ ही नहीं रहा। तो अरे नारायण जी की फोटो नहीं दिखाई थी प्रभु के हमारे? अरे सारी फोटो दिखाई थी, सारा एल्बम दिखा दिया। फिर हमारी बुराई नहीं की थी? अरे कहा प्रभु विश्वास करिए, जितने आप बुरे नहीं है ना, उससे भी ज्यादा हमने मिर्च मसाला लगा के आपकी बुराई की। लेकिन वो मानी नहीं। तो कहा कि क्या कहा उन्होंने, ऐसा क्या जवाब दिया? बोले वो तो कह रही थी कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी और परम शंभु न तरह कुआरी।